हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? यस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। हम इस वीडियो में दो पहले रूल्स पढ़ेंगे और उस रूल्स का यूज़ करते हुए हम अननोन वैल्यू एक्स कैसे फाइंड करते हैं आज हम इस वीडियो में सीखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन से रूल्स हैं। पहला वाला है, पावर्स आर सेम सो बेसिस विल बी इक्वल। यानी कि अगर पावर आपको सेम दे रखी है तो हम उसके बेस को भी इक्वल लिख सकते हैं। जैसे ये बता रखा ए की पावर एम यहाँ इक्वल और बी की पावर एम। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोनों में पावर सेम है, पावर सेम है और बेस डिफरेंट है। अगर पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, बीच में ऐसे इक्वल हो, तब हम इस फर्स्ट रूल का यूज़ कर सकते हैं। तो पावर जब सेम हो, बेस डिफरेंट हो, तब उस समय ध्यान रखना है हम बेस को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो देखो यार, जैसे मैंने इक्वल बता दिया बेस को, ए इक्वल बी। ये कब करेंगे? जब हमें क्या दिखे, पावर इक्वल दिखे और दो वैल्यू हो और बीच में इक्वल हो, तब ये रूल्स लगा के हमें बेस को इक्वल लिखना है। दूसरा रूल, दूसरा कह रहा है बेसेज आर सेम सो पावर्स विल बी इक्वल। यानी कि जब बेस इक्वल हो तब हम पावर इक्वल ही सकते हैं। यानी बेस इक्वल दिखे तो हम उसके पावर को भी इक्वल लिखेंगे। ये इसका सेकंड रूल्स। जैसे देख सकते हैं आप, ये ए की पावर एम इक्वल ए की पावर एन, यहाँ बेस दोनों में सेम दे रखा है और पावर क्या बता रखी है, डिफरेंट बता रखी है। जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो उस समय हम पावर को भी इक्वल ही सकते हैं। ये आपका सेकंड रूल। इन रूल्स का यूज़ करते हुए हम ज़्यादातर क्वेश्चन करते हैं और सेकंड वाला जो रूल्स है इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस पे डिपेंड ज़्यादा होते हैं। तो देखते हैं यहाँ से अननोन वैल्यू एक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। किसकी निकालनी? यहाँ जो भी चार क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ अननोन वैल्यू जहाँ भी एक्स दिख रही है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। पहला वाला है 2 की पावर x-3 = 1। सेकंड दे रखा है 8 की पावर 255 = 32 की पावर x। थर्ड दे रखा है 3 की पावर 3x + 3 = 9 की पावर x + 4। फोर्थ वाला दे रखा है 5 की पावर x * 5 की पावर 3 * 5 की पावर -2 / 5 की पावर -5 = 5 की पावर 12। तो यहाँ चार क्वेश्चन में जहाँ भी x दे रखा है उसकी वैल्यू आपको यहाँ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पहला वाला लेंगे। पहला वाला जैसा का जैसा लिखा अपन ने, अब आप देख सकते हैं 2 की पावर x - 3 और यहाँ इक्वल 1 लिखा हुआ है। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो न तो आपको यहाँ कहीं बेस इक्वल दिख रहा है, न कहीं पावर इक्वल दिख रही है, लेकिन यहाँ इक्वल जो 1 है इधर RHS साइड में, यहाँ हम इसको कहीं ना कहीं 2 बेस लेके इक्वल बना सकते हैं। वो बनाएंगे कैसे? अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो मैं इस लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट का यूज़ करते हुए यहाँ इस 1 को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। a यहाँ अपना 2 बता देगा और ये पावर 0 हो, तो किसी के a के ऊपर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब इस क्वेश्चन को जब मैं देखता हूँ ना, तो यहाँ देखो दोनों बेस इक्वल दिखती है और बेस इक्वल हो तो हमने सेकंड रूल में पढ़ा है कि उसकी पावर भी हम क्या ले सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं। तो अगले स्टेप में देख सकते हो आप x - 3 = 0। तो यहाँ से 3 इधर ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि 8 की पावर 255 = 32 की पावर x। तो यहाँ देख सकते हैं न तो कोई बेस इक्वल दिख रहा है, न पावर इक्वल दिख रही है। तो कहीं ना कहीं हमें x पावर की फॉर्म में दे रखा है, तो हमें कहीं ना कहीं बेस को इक्वल लाना पड़ेगा। तो बेस को इक्वल लाने के लिए पहले इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ेंगे। जैसे 8 को मैंने तोड़ के देखा, इसका प्राइम फैक्टर किया, तो देखो 8 किसका होता है, 2 की पावर 3 का होता है। इसी तरह यहाँ 2 की पावर 3 आई, यानी यहाँ 2 दिख रहा है बेस, तो 32 को भी आपको कहीं ना कहीं 2 बेस आए ऐसा तोड़ना है। तो 32 को अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ तो ये मिलता है मुझे 2 की पावर 5। अब यहाँ आप एक रूल्स आपने लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट का थर्ड वाला पढ़ा ही है कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई।
इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करते हुए इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, इसको भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। इसके बाद अब यहाँ से देख सकते हैं कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई एक रूल्स लगता है, तो यहाँ देख सकते हैं कि बेस इक्वल दिख रहा है, तो बेस इक्वल है तो पावर भी हम इक्वल लिख सकते हैं, तो इन पावर को मैंने इक्वल लिख दी। अब आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है तो फाइव का इसमें डिवाइड दे देना है, ये फाइव की टेबल से कटेगा 51 को 3 से इंटू करेंगे तो इसका आंसर आएगा एक्स इक्वल 153, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले में लिखा है 3 की पावर 3x + 3 इक्वल 9 की पावर x + 4। अब यहाँ देख सकते हैं बेस 3 है, इधर 9 है, तो क्या 9 को भी हम 3 की कहीं ना कहीं बेस की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ये देखो बेस 3 आ गया, इधर भी 3 है। अब हम क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। ये वैल्यू ऐसे कैसे लिखी है अपन ने, अब 2 को इसे इंटू करेंगे इस ब्रैकेट से तो अपने पास वैल्यू इस तरह से आएगी, इधर वाला तो LHS साइड में ऐसे ही आएगा, 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 2 को इसे किया तो 8 हो जाएगा, तो 3 की पावर 2x + 8 आ जाएगा। अब यहाँ बेस इक्वल आ गया, अब हम इस पावर को इक्वल लिख सकते हैं, तो 3x + 3 = 2x + 8। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए पहले x x एक तरफ रखेंगे, डिजिट डिजिट एक तरफ रखेंगे, तो 3x या 2x इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, 8 इधर 3 इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3x में से 2x माइनस करेंगे 1x और ये 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया x = 5। अब अपना लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है फोर्थ वाला, इसमें सारे वैल्यू कहीं ना कहीं 5 में दे रखे हैं, तो अब इसको करना कैसे देखो। सबसे पहले इस वाले को मैं ऊपर ट्रांसफ़र करता हूँ, अगर ऊपर ट्रांसफ़र करता हूँ तो आपने फॉर्मूला एक्सपोनेंट वाला पढ़ा ही है कि ऊपर जाते ये पॉजिटिव की फॉर्म में लिखेंगे, तो इन तीनों को तो मैंने ऐसे लिखा, इसको पॉजिटिव की फॉर्म में लिख दिया, ये भी वैल्यू ऐसे कैसे लिखी। अब देख सकते हैं सब में बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, इंटू की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो आपने लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि बेस इक्वल हो पावर डिफरेंट हो तो पावर को उस समय ऐड करते हैं, तो मैंने इन सब को ऐड कर दिया, ये माइनस की फॉर्म है इसलिए माइनस ही लिखा, बाकी ये सब ऐड की फॉर्म में लिख दिया है। फिर यहाँ 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो 5 की पावर x + 6 = 5 की पावर 12 ऐसा कैसे लिखेंगे, ये आ गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड रूल लग रहा है, यहाँ भी यहाँ बेस इक्वल है तो पावर को भी इक्वल लिखेंगे, पावर इक्वल लिखेंगे तो 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6, तो x की वैल्यू आई x = 6। तो बच्चों अपने इस वीडियो में दो रूल्स पहले समझे और उस रूल्स पे आधारित जो भी क्वेश्चन थे हमने किए, अधिकतर सेकंड रूल्स का यूज़ ज़्यादा होता है, इसी पे क्वेश्चन डिपेंड होते हैं। यहाँ से कोई भी अननोन वैल्यू, जैसे आपको x पूछी हो तो x फाइंड कर सकते हैं, m x की जगह m लिखा हो तो m फाइंड कर सकते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, आप अच्छी तरह से इनको वीडियो को देखना और बार बार समझना। थैंक यू।